हेलो फ्रेंड्स, आज एक केवल कमेंट बॉक्स का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है। गियर बॉक्स टॉर्क कैलकुलेशन, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे जिससे आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला है, उसको हमेशा याद रखिए, उसी से ही निकल जाएगा और बहुत ईजिली निकल जाएगा। चलिए देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। ये एक हेलिकल गियर बॉक्स है, एक देखिए कपलिंग है, एक ये मोटर लगा हुआ है। ठीक, मोटर का शाफ्ट ये इनपुट वाला है, ये जो गियर बॉक्स का ये भी इनपुट शाफ्ट, ये दोनों कपल्ड होंगे अपने गियर कपलिंग से। ठीक है, मोटर घूमेगी, गियर बॉक्स घुमाएगा। अब आगे आपको हम कैलकुलेशन बताते हैं, देखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं गियर बॉक्स टार्क कैलकुलेशन। ठीक है, अभी जो हमने आपको दिखाया गियर बॉक्स और मोटर, मान लिया हम लेते हैं एक हेलिकल गियर बॉक्स है। ठीक है, तो 40 एक का रेशियो है, और जो मोटर हमने आपको दिखाया वो मान लिया 15 किलोवाट की है, उसके आरपीएम 1450 आरपीएम है। तो मोटर और गियर बॉक्स जब कपलिंग से कपल्ड होगा, और मोटर जो है 1450 आरपीएम पर चलेगी, तो गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले निकालना है इनपुट टॉर्क, ये होगा कितना, जो मोटर का टॉर्क है गियर बॉक्स का इनपुट टॉर्क शाफ्ट। ठीक है, एक फार्मूला आपको बताते हैं, टाउ मतलब टॉर्क हो गया P मल्टीप्लाइड बाई 60 2πn। टाउ हो गया टॉर्क, P हो गया पावर, n हो गई स्पीड RPM में। आपको ये याद रहे तो ठीक है, नहीं और सिंप्लीफाई करके हम आपको देते हैं, टॉर्क इक्वल टू सीधा सीधा आप P मल्टीप्लाइड बाई 9550 मतलब 9550 डिवाइड बाई n, n मतलब RPM। पी किस पे आएगा, किलोवाट में, एन होगा आरपीएम। टॉर्क की जो डायमेंशन आती है न्यूटन मीटर, तो पी देखिए आपको कितना दिया है, 15 किलोवाट। 9550 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1450 से भाग करेंगे तो सीधे कितना आ गया, 98.79 न्यूटन मीटर। ठीक, ये आपका इनिशियल टॉर्क होगा, जो इनपुट शाफ्ट पे जो टॉर्क लगेगा, तो ये गियर बॉक्स का इनपुट टॉर्क हो गया। ठीक, अब फाइंड करते हैं गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट का टॉर्क। ठीक है, फार्मूला इसका आप ये देखिए, जो टॉर्क आउटपुट अपॉन टॉर्क इनपुट इक्वल टू जितना आपका गियर बॉक्स का रेशियो है। गियर बॉक्स का रेशियो कितना है, 40:1। इनपुट टॉर्क कितना आया, 98.79। ठीक है, इस फार्मूले में आप पुट करिए वैल्यू, तो टॉर्क आउटपुट इक्वल टू गियर बॉक्स रेशियो मल्टीप्लाइड बाई टॉर्क इनपुट। गियर बॉक्स का रेशियो कितना है, 40, टॉर्क इनपुट कितना हुआ, 98.79, ये कितना निकल के आ गया, 3951.6 न्यूटन मीटर। देखिए कितना टॉर्क आया। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनता है, टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। जैसे जैसे आरपीएम को बढ़ाएंगे तो टॉर्क घटेगा, और आरपीएम यदि कम होगा तो टॉर्क बढ़ेगा। ये इसलिए बताया क्योंकि आप ये थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, कोई भी अपनी मशीनरी इक्विपमेंट होती है, देखिए लिखा हुआ है बिकॉज एनी मशीनरी टू स्टार्ट वी प्रोवाइड इनिशियल टॉर्क शुड बी हाई। हमको हाई चाहिए होता है जब भी किसी मशीनरी पार्ट को हम घुमाते हैं तब। यदि मान लिया हम ये गियर बॉक्स नहीं लगाते हैं, चलिए
डायरेक्ट यदि हम मोटर से अटैच करेंगे तो हमको इनपुट टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो हमें मोटर बहुत बड़ी लगानी पड़ेगी जो कि कॉस्टली होगा और उसमें समस्या भी आती है। ठीक, तो हमें इनिशियल टॉर्क की जब ज़रूरत ज़्यादा होती है तो गियर बॉक्स, देखिए आपने केवल एक 40A का गियर बॉक्स लगा दिया, छोटा सा मोटर 15 किलोवाट का लगा दिया, आपको देखिए फाइनल टॉर्क कितना मिला है, 3951.6। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ, देखिए बिकॉज एनी मशीनरी टू स्टार्ट टू प्रोवाइडेड इनिशियल टॉर्क शुड बी हाई, इफ गियर बॉक्स नॉट प्रोवाइडेड इन रोटेटिंग मशीनरी देन वी हैव इंस्टॉल्ड मोर पावर, ठीक, पावरफुल मोटर, सो दैट विद द हेल्प ऑफ द गियर बॉक्स वी फाइंड आउट मोर टॉर्क इन लेस पावर ऑफ मोटर। छोटे से मोटर से आपका टॉर्क देखिए कितना जनरेट हुआ। तो यही कमेंट बॉक्स में भी आया हुआ था कि गियर बॉक्स का टॉर्क की एक कैलकुलेशन बताएं, तो हमने आज ये आपको बताया और बहुत सिंपल फार्मूला है, केवल ये फार्मूला आप याद रखिए, टी इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 9550 डिवाइड बाई एन। पी सीधा सीधा किलोवाट में आ जाएगा, यदि एचपी में पावर है तो उसको आप पहले किलोवाट में चेंज कर दें, एन आरपीएम में है ही है, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, इसी से ही निकाला जाता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन को लेके ही हमने समझाने की कोशिश की है, शायद समझ में आ भी गया होगा, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया तो हमने कहा आप लोग को साथ में शेयर किया जाए, जिससे चीज़ें को समझने में आसानी रहे। बहुत जगह पूछा भी जाता है कि टॉर्क कैसे निकालेंगे, सिंपल सीधा फार्मूला याद रखिए बस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे किसी कैलकुलेशन के साथ में, जो इम्पॉर्टेंट होगा वो आपको हम बताएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नोट्स ज़रूर बनाते रहें, नहीं तो वीडियो ही देखेंगे और नोट्स नहीं तैयार करेंगे तो सब भूल जाएगा। तो वीडियो के साथ साथ में नोट्स भी बनाएं, पढ़ें, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।